जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। बुधवार का दिन 21 जून, व्याघ्यात योग पुष्य नक्षत्र शनि स्वामी है। आज आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का प्रभाव, राहु की छाया, बृहस्पति और मंगल की दृष्टि है। आज चंद्रमा उच्च का होकर गोचर कर रहा है। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में देव गुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक बृहस्पति अश्वनी नक्षत्र में केतु से प्रभावित थे, अब बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र भरणी में गोचर करेंगे। 21 जून का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्य लेकर आया है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। शनि और चंद्रमा के प्रभाव से अपने भाग्य का निर्माता आप स्वयं बनेंगे। अपने जीवन में सौभाग्य, सुख और अनेक प्रकार के तरक्की का लाभ उठाएंगे। जीवन की कठिनाइयां दूर होगी और विजय प्राप्त करने में आप सफल होंगे। आज आपकी कुंडली में राहु के साथ बृहस्पति का गोचर है। आपके अंदर कर्म करने का विश्वास बढ़ेगा, सुख संपत्ति आपके जीवन में बढ़ेगी, स्वाभिमान बढ़ेगा, साहस से अपने जीवन में बड़ी सफलता और लाभ की प्राप्ति करेंगे। शनि और चंद्रमा के प्रभाव से बृहस्पति और मंगल की दृष्टि से आपकी जीवन में तरक्की उन्नति का योग बन रहा है। बेहतर समय है, भाग्यशाली योग है। अपने लक्ष्य के प्रति आप अत्यंत गंभीर रहेंगे, मेहनत से अपने भाग्य को चमकाएंगे। अपने जीवन में परेशानी से, अपने जीवन में बाधा से और अपने जीवन में आने वाली रुकावटों से आप घबराएंगे नहीं, बल्कि आगे बढ़ते जाएंगे। आज भाग्य का भी साथ मिलेगा, विजय प्राप्त करने की क्षमता आप में होगी। जीवन में सुख, सौभाग्य, सफलता, धन वैभव का योग बनेगा। आज का दिन आपके लिए सुखी दिन होगा। नई संभावना आपके जीवन में आपकी परिस्थिति को बदलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति मंगल का प्रभाव है, शनि चंद्रमा की दृष्टि है। भाग्यशाली समय है। पुष्य नक्षत्र में जब शनि का प्रभाव आपको प्रभावित करेगा, तब आपके जीवन से दुर्भाग्य और दलिद्रता दूर होगी। सौभाग्य पाने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। जीवन की निराशा खत्म होगी। ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ेगी। आप तेजस्वी, पराक्रमी, परिश्रमी बनेंगे। सौभाग्य और धन का लाभ आपके जीवन में पराक्रम की वृद्धि करेगा, आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। आज का दिन भाग्यशाली दिन है, क्योंकि शनि के प्रभाव से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वहीं बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन करना शोहरत इज्जत को बढ़ाएगा, दुख बाधा परेशानी से आपको मुक्ति देगा। ये बेहतर समय है अपने जीवन में सुख प्राप्त करने का। ये बेहतर समय है अपने बाधा मुसीबत को दूर करने का। ये समय बेहतर है अपने जीवन में सुख शांति लाने का। परिस्थिति में जब बदलाव आता है, तो आपके भाग्य के सितारे चमकते हैं, भाग्य उदय का योग बनता है। ये समय आपके लिए आपकी मेहनत से जीवन में बड़ी सफलता लेकर आएगा। बड़ा भाग्यशाली आपको बना रहा है, क्योंकि आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि, तृतीय चरण का स्वामी बुध है, चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। स्टूडेंट के जीवन में बड़ी सफलता का योग बनेगा। आपकी स्थिति बेहतर होगी। आपका भाग्य अच्छा है, तो आपके जीवन में ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगा। बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में खुशी लेकर आएगा और आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आज बृहस्पति, शनि, बुध और शुक्र चार चरण में आपकी समस्याओं का समाधान होगा। वहीं शनि चंद्रमा के प्रभाव से बृहस्पति मंगल की दृष्टि से
बड़ी सफलता भी हासिल करेंगे, भाग्यशाली आप बनेंगे, सौभाग्यशाली आप होंगे। आज राहु काल 12:23 से 2:08 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा, लकी नंबर 7 होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:03, रवि योग सुबह 5:24 आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। वहीं विजय मुहूर्त 2:43 और अमृत काल शाम 6:13 आपके लिए तरक्की भरा होगा। आज का दिन आपको सुख देगा, सफलता देगा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। आप मेहनत करते जाएं, आपके जीवन में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन और बहुत उन्नति का योग है। आपकी रुकावटें दूर होगी और आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। पुष्य नक्षत्र में शनि के प्रभाव से बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन से आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ स्थिति का निर्माण करेगा, जो आपके लिए शुभ है, जो आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें।